नवाज ने कर लिया है कन्फेस। सलमान के बिना नहीं हो सकता उनका गुजारा। सलमान के स्टारडम की है उन्हें सख्त जरूरत। चलिए अब आपको हम दोनों भाइयों का वो कन्फेशन सुनाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे सलमान उनका लगा रहे हैं बेड़ा पार। आप संडे को कर रहे हो और प्रेस नहीं आएगी, लेकिन अगर सलमान पे आएंगे तो प्रेस आएगी, तो ऐसे ठीक है। सो वी एक्चुअली नो बट सलमान भाई वाज इनफैक्ट आई कैंसल्ड हिज ट्रिप। ही वाज सपोज्ड टू लीव टू लद्दाख लास्ट नाइट and I requested him to stay back so that we could get everyone together and I'm so glad that all you guys are here. देखा आपने कैसे अपनी फिल्म के ट्रेलर पर मीडिया को बुलाने के लिए सुहेल खान को लेना पड़ा सलमान खान का सहारा, और एक बार फिर अपने भाई की फिल्म के लिए सलमान ने अपनी फिल्म को रख दिया साइड में। I requested भाई to be a part of the film so that we can promote the film and reaches more eyeballs. सुहेल की ख्वाहिश तो सलमान ने कर दी पूरी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अरबाज भी सलमान पर लगाए बैठे हैं अपनी आस। As far as Dabang 3 is concerned, well, that is, this man is going to tell me when is the window and he says that he'll show me the door. कैसे सवाल पूछते हैं यार, भूल गया था Dabang 3 के बारे में, याद दिला दिया। But are you scripting the film? Is it being scripted? Yes, yeah, the brothers are working on the script right now. सुना आपने, दबंग 3 के लिए अरबाज बस सलमान की डेट्स के इंतजार में बैठे हैं, और जैसे ही सलमान फ्री होंगे एक बार फिर वो दिखाएंगे अपना दबंग अंदाज। अब ये तो कहना पड़ेगा कि सोहेल और अरबाज के करियर की नैया तो सलमान के भरोसे ही चल रही है। फर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।